सब्सक्राइब करो NC7 न्यूज नू ते लेटेस्ट अपडेट पाने प्रेस करो बेल आइकन। संयुक्त राज अमरीका दे विस्कॉसिन विच एक शॉपिंग मॉल अंदर गोलीबारी होने की खबर है। एक हथियारबंद हमलावर ने मायफेयर मॉल विच अनेवा गोलियां चलाईया ने जिस नाल घट्टो घट 8 लोग जख्मी हुए दसे जा रहे ने। पुलिस हमलावर दी तलाश विच जुट गई है। रिपोर्टा ने मुताबिक स्थानक समय अनुसार शुक्रवार दोपहर 3 बजे ही गोलीबारी हुई। फिलहाल शॉपिंग मॉल नु बंद कर दिता गया है। पुलिस नु लोका वालों दिते गए बयान दे मुताबिक हमलावर गोरे रंग दा 20 तो 30 साल दा नौजवान है जो गोलीबारी करने तो बाद फरार हो गया। इस हफ्ते एयर इंडिया दी उड़ान च कुछ यात्रियों दे हांगकांग पुजन तो बाद कोरोना वायरस नाल पीड़ित पाए जान मगरों हांगकांग दी सरकार ने दिल्ली तो एयर इंडिया दी उड़ाना ते 3 दिसंबर तक पाबंदी ला दी है। सरकार दे कुछ अधिकारी ने शुक्रवार नूं जानकारी दी। हांगकांग सरकार ने पीड़ित यात्रियों दे पुजन नूं लेके 5वीं बार भारत वल्लों एयर इंडिया दी उड़ाना ते पाबंदी लाई है। भारत दे यात्रियों वल्लों 72 घंटियां पहला कराई गई कोविड-19 जांच दी नेगेटिव रिपोर्ट दे नाल ही हांगकांग पहुंच सकते ने। राष्ट्रीय राजधानी शुक्रवार नूं कोविड-19 दे 6608 नवें मामले सामने आने तो बाद पीड़ितां दी गिनती 5.17 लाख तो ज्यादा पहुंच गई है, जदों कि इस म्याद दौरान इस महामारी नाल 118 होर मरीजां दी मौत होने दे नाल मृतकां दी गिनती 8160 हो गई है। अधिकारियों ने जानकारी दी। दिल्ली दे सेहत विभाग वल्लों जारी एक बुलेटिन दे अनुसार शुक्रवार नूं मामलियां दी कुल गिनती बढ़ के 5,17,238 हो गई है, जिन्हां चों 4,66,143 लोग तंदुरुस्त हो चुके ने। इस दे अनुसार दिल्ली च इस समय 40,936 मरीजां दा इलाज चल रहा है। दिल्ली च रेड जोन दी गिनती शुक्रवार नूं बढ़ के 4,560 हो गई है, जदों कि पिछले दिन ये गिनती 4,501 सी। हरियाणा दे सरकारी स्कूलों च विद्यार्थियों दे लगातार कोरोना पॉजिटिव मिलन तो बाद सरकार ने 3 नवंबर तक सूबे दे सारे स्कूलों नूं बंद करन दा फैसला लिया है। सूबे च कोरोना दे वधदे मामलियां ते विद्यार्थियों दी सेहत नूं ध्यान दे विच रखदे होए हरियाणा सिक्ख्या बोर्ड ने सारे निजी अते सरकारी स्कूलों नूं 2 हफ्ते बंद रखन दा फैसला लिया है। 3 नवंबर तक स्कूलों च विद्यार्थियों तों इलावा अध्यापकां ते आउण ते वी मनाही रहेगी। इस दौरान सारे स्कूल नूं चंगी तरह सैनिटाइज कीता जाएगा। फैसले दा उल्लंघन होण ते स्कूल मुखी जिम्मेवार होंगे। केंद्र सरकार वल्लों माल गड्डियां नूं बंद करन दे फैसले तो बाद पंजाब सूबे च खाद दी कमी नूं लैके पैदा होया संकट वधदा ही जा रहा है। इस नूं लैके संगरूर जिले दे शहर सुनाम च किसान यूनियन उग्राहां दे वल्लों प्राइवेट खाद गोदामां नूं घेरन दा मामला सामने आया। गोदाम मालक ने दोष लगाया कि किसान यूनियन धक्केशाही करके खाद चुक रही है। जी अपने गोदाम च 400 बोरी है जी, आपां आपदे जिम्मेदारां नूं 10-10 बोरियां भी 13-13 दा यूरिया दा सब दा सरजे जी सब नूं दे रहे हैं जी। ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਲਿਜਾਣ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੂਰੀਆ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ? ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਵੇ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਵੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲਵੇ 400 ਬੋਰੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸਾਰੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਕਾ ਕੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਚੂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ? ਪੇਮੈਂਟ ਯੂਜਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦਾਮ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦਾਮ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਦਾਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 22,000 ਰੁਪਈਏ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ 22 ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 800-900 ਗੱਟਾ ਪਿਆ, ਜਾਣੀ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਗੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣੀ ਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਣਾ ਤੀ
जो असी खिला लिया हूँ ये बाई नूं आपदे गाहक याद आ गए असी इहनूं इह कहा भी जिहड़ा मर्जी आवे तेरी दुकान ते हरेक नूं दे असी कोई साडा नहीं कोई साडा बगाना नहीं साडे सारे ने असी नहीं कहिंदे भी आह किसान साडा आह साडा नहीं ये बिल्कुल नहीं इहनूं बाई नूं कहा पर यह बाई के मन च थी ये हुण सवेरे जिहड़ियां ट्रालियां बुला रहे असी किसानों को दवा रहे हैं जिदा दस हो असी कोई दो नंबर दे रहे फिर है पर जो भाई कहता जितने का रेह पे है इन्हें आपके गाहकों को दिता क्यों ना घट्टो घट दस दिन हो गए पंद्रह रेह आए ये आपके गाहकों को बुला के दिता है असी घट्टो घट दस गोदामों पर पा के सवेर के सारे गोदामों ने दिता चुकाया जिहड़ा पिया के अंदर स्टोर किया असी इन्हें कहा भी स्टोर नहीं असी होने देना जिन्ना रेह पे छोटे किसान हो साडे हो साडे तां कट्ठे ने सारे किसानों को घट्टो घट्ट रेह जो मिलना चाहिए साडा ये किसी नाल मतलब नहीं भी ये साडा है जां बगाना है ये भाई कह सकता है कि असी किसी नूं आपदा दूजी कह के दवाता भी इहनूं दे नहीं असी जिहड़ा भी किसान साडे मूहरे आ गया असी उहनूं उधर आम आदमी पार्टी की विधायिका सरबजीत कौर माणूके वालों महिला कमिशन के नाल मुलाकात की पंजाब विच वध रहे रेप केसां बारे गलबात की गई इस तों इलावा उन्होंने लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरनजीत सिंह बैंस से एक महिला वालों लगाए गए रेप के इल्जामों की भी जांच करने लिए कहा उन्हों का कहना है कि इस महीने के अंदर इन इल्जामों की जांच होनी चाहिए है ता जो पीड़ितों को इंसाफ मिल सके इस तों इलावा उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी तंज कसिया उन्हों का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर कैप्टन अमरिंदर सिंह आप सांभ रहे ने पर 2017 तो बाद महिलाओं की स्थिति होर ज्यादा खराब हुई है इसलिए उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी हिमायत की है दिन ब दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं रेप केसिस के बढ़ रहे सब तो माड़ी गल है कि अक्तूबर के पंजाब के कल अक्तूबर के महीने जो पिछला निकलिया 4 साल की बच्ची 6 साल की बच्ची तो 5 साल की बच्ची का रेप जिसन लेकर अच्छे असं महिला कमिशन में मिले हैं भी ये रेप केसिस इन्ने बढ़ रहे हैं कुछ लोग कहेंगे भी बच्चिया का तो की जुर्म हो सकता कुछ लोग कहेंगे औरत तो नहीं होएगी ज कुछ लोग कुछ कहें मैं एक ही गल कह आई हूँ भी खुद गृह मंत्रालय संभाल दिया महिला कमिशन एक महिला संभाल रही है जिसन शायद इन्होंने बच्चियों का दर्द होएगा महसूस होएगा भी जो किसी की धी किसी की बेटी किसी की भैन न ऐसा कुछ होंगे उदो उन्होंने घरदे हालात की है असं अज मंग करते हैं एक होर मसला पंजाब के बड़ा गंभीर उठा हुआ जिते एक औरत ने एक MLA से इल्जाम लगाए है कि उसने मेरे ते उसने मेरे न रेप किया हूँ देखने वाली गल यह है FIR लॉन्च हो चुकी है सब तो बड़ी गल यह है उस समय की होया जो औरत जो बंदा MLA जा परमात्मा जानता उन्होंने आपसी की हो रहा एक पक्ष कह रहा मैं बिल्कुल निर्दोष हाँ दूजा पक्ष कह रहा मैं बहुत पीड़ित हाँ असं महिला कमिश्नर को आए हैं असं यह क्या भी FIR लॉन्च हो चुकी है टाइम बाउंड इनकुआरी रखो ताकि घट्टो घट्ट एक महीने के जड़ा भी पीड़ित आ औरत जो बंदा उन्हें सज़ा मिले तो सब तो बड़ी गल जब तक इनकुआरी चलती है और उस औरत नूं भी थोड़ी मोटी सिक्योरिटी दो ताकि वह एक इनफ्लुएंशियल परसन के विरुद्ध खड़ी है उन्होंने वो किसी तरह का प्रभाव ना पवे तो वह अपने दुध का दुध पानी का पानी हो सके जी MLA कौन है MLA सिमरनजीत सिंह बैंस बिल्कुल वो उन्होंने असं तो यही मंग करना आए हैं भी जे जो तक फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होगी थोड़ी जो तक बच्चियों इंसाफ उदों तक नहीं मिल सकता जब तक जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड भाई जे इंसाफ आ जरा समा पा के नहीं मिलेगा उदों तक उस समय इंसाफ का कोई मतलब नहीं निर्भया केस के असी एक ही काम किया असी निर्भया कांड फंड बना लिया निर्भया कांड फंड बना लिया जिस दे पिछों असी एक ही गल कोशिश कर रहे हैं भाई असी उन्हों जो कोई पीड़ित होएगी उदे पिछों असी राशि देवांगे पर की सच्चाई यही है कि असी औरतों नूं राशि देनी है जां औरतों नूं अगला जुर्म होण तों बचाउणा अज दे आउण दा मकसद यही है भई पीड़ितों नूं इंसाफ ते पीड़ितों नूं फंड तां जरूर मिलना चाहिए क्योंकि वो उन्हां दी जरूरत भी है उन्हां नूं इंसाफ मिलना चाहिए पर अगले दोषी होण तों पहलां अगले लोगों का दोष साबित होण तों पहलां उन्हां नूं इस जुर्म करन तों रोकणा किवें उह ते फास्ट ट्रैक कोर्ट होणियां चाहीदियां लॉ एंड ऑर्डर खुद CM साहब संभाल रहे हैं पर 2017 तों बाद औरतों की हालत बद तो बदतर हो चुकी है जिस करके क्योंकि उन्होंने पता नहीं किहड़े पासे ध्यान आ औरतों वल ध्यान नहीं है 1008 केस 2019 तक रजिस्टर होए आ जिहदे चों 37 केस ऐसे आ जिहदे चों 37 केस ऐसे आ जिहड़े 6 साल तो बच्चियां दे घट दे रहे हुण इन्हां बच्चियां नूं इंसाफ लोग कचहरियां च धक्के खांदे विचारे लटकदे रह जांदे आ जे एक बच्ची नूं इंसाफ नहीं मिल जाए एक महीने की फास्ट ट्रैक कोर्ट होवे ते टाइम बाउंड इनकुआरी होवे ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣ 'ਚ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਬਈ ਦੋਨਾਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ
विश्वास करांगे, असीं टाइम बाउंड इनक्वायरी ते भी विश्वास करांगे, पर जिहड़ा पक्ष पीड़ित आ उस पक्ष नूं इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने यही कहा भी असीं अज मैडम किसी कारण करके छुट्टी ते सी, उन्होंने साडा मैसेज साडा पहुँचाया, तो असीं कहा भी सानूं टाइम बाउंड इनक्वायरी चाहिए, असीं जल्दी डीजीपी साहब नूं मिलांगे, तो असीं इनक्वायरी निरपक्ष इनक्वायरी की जांच की मांग करांगे। ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। 70 ਚੁਣਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੌੜ ਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।